ब्याज की दर शून्य होने पर भी बचत कर सकते हैं। वास्तव में ब्याज की दर से बचत आय के स्तर से अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ ये कहना है कि जो बचत है वो ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करती है कि जिसकी आय ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा बचत कर सकता है वो बचत, और जिसकी आय कम है वो बचत नहीं कर सकता है। तीसरा जो आलोचना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इक्विलिब्रेटिंग फोर्स, यानी कि ब्याज की दर संतुलनकारी शक्ति या बल नहीं है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने माना कि ब्याज दर जो है वो समायोजन तंत्र के द्वारा बचत और निवेश के बीच समानता बनाए रखती है, यानी कि अगर बचत और निवेश में बराबर है या संतुलन खराब हो जाता है या उनमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस केस में उनके बीच संतुलन लाने वाला बल किसको मानते हैं शास्त्रीय अर्थशास्त्री? ब्याज की दर को, कि ब्याज की दर बदलेगी, ऊपर या नीचे जाएगी और दोनों के बीच में बराबरी स्थापित कर देगी। लेकिन केन्स ने इस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई और इसको आलोचना करी है और कहा है कि समानता बहाल करने के लिए एक अलग प्रणाली होती है। उनके अनुसार ब्याज की दर द्वारा ये समानता नहीं लाई जाती, बल्कि आय के द्वारा बचत और निवेश के बीच में संतुलन लाया जाता है। तो बचत और निवेश के बीच में संतुलनकारी शक्ति को उन्होंने आय का रूप दिया है। जब भी बचत निवेश से अधिक हो जाएगी, यानी कि बचत जो है वो निवेश से अधिक हो जाएगी, तो आय के स्तर में गिरावट आती है, और आय के स्तर में गिरावट आने की वजह से बचत भी कम हो जाएगी और निवेश के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह से यदि निवेश बचत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? निवेश बढ़ने से आय बढ़ जाएगी और आय बढ़ने से बचत भी बढ़ जाएगी, और बढ़े हुए निवेश के बराबर अब यहाँ पे बचत हो जाएगी। तो यहाँ किन्स कहता है कि बचत और निवेश को बराबर करने का काम आय करती है, ना कि बचत की दर। नेक्स्ट आलोचना है रोल ऑफ मनी इग्नोर्ड, यानी कि मुद्रा की भूमिका की अनदेखी करता है। तो ब्याज का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो मुद्रा को तटस्थ मानता है, यानी कि वो मूल्य भंडारण का काम नहीं करता है, ये केवल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है मुद्रा, और मूल्य के भंडारण के रूप में मुद्रा की भूमिका को उन्होंने नज़रअंदाज किया है, अनदेखा किया है। यानी ये संभावना को ध्यान में नहीं रखता है कि बचत को नकदी के रूप में भी रखा जा सकता है, इस बात को जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री ध्यान में नहीं रखते हैं। ये ब्याज की दर के निर्धारण में मुद्रा की मात्रा, निर्मित मुद्रा और बैंक क्रेडिट की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका को भी पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक कमी रह जाती है शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों में कि जो मुद्रा की मात्रा है, बैंक मुद्रा है, निर्मित मुद्रा है, इन सब की वो ब्याज की दर के निर्धारण में अनदेखी करते हैं और केवल बचत और निवेश के आधार पर ब्याज की दर निर्धारित कर देते हैं। और इन कारणों से ये सभी कारक जो है शास्त्रीय सिद्धांत को आधुनिक गतिशील दुनिया में अवास्तविक और अप्रासंगिक बना देते हैं। यानी कि वास्तविक दुनिया में तो बैंकों का भी बहुत बड़ा रोल है और सरकार के द्वारा जो मुद्रा प्रिंट की जाती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है ब्याज की दर के निर्धारण में, तो इनको शामिल नहीं करने की वजह से शास्त्रीय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। पाँचवा है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता है, शास्त्रीय सिद्धांत अवास्तविक है क्योंकि ये पूर्ण रोजगार की विशेष परिस्थितियों को मान्यता लेकर के चलता है। आमतौर पर पूर्ण रोजगार से कम या पूर्ण रोजगार नहीं वाली स्थितियां वास्तविक दुनिया में ज़्यादातर पाई जाती हैं, यानी कि कहीं ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां पे सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाता हो। सभी देशों में कुछ ना कुछ बेरोजगारी अवश्य होती है। किन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगार संसाधन होते हैं तो लोगों को खपत के परित्याग हेतु बचत के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर बहुत सारी पूंजी बेरोजगार पड़ी है जिसके पास कोई काम नहीं है तो उस पूंजी को आप काम पे लगाएंगे तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था में समस्या पहले से नियोजित संसाधनों को अपने मौजूदा रोजगार से वापस लेने के बजाय बेरोजगार संसाधनों को कैसे काम पे रखा जाए ऐसी होती है। यानी कि अगर बहुत सारे साधन बेरोजगार हैं तो उस टाइम में जो अर्थव्यवस्था के सामने समस्या है वो ये नहीं है कि उसमें से कुछ को काम से निकाल करके दूसरे काम में लगाया जाए, बल्कि जो बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कैसे काम दिलाया जाए, ये मेन समस्या होती है। इसलिए बेरोजगारी की स्थिति के तहत ब्याज संयम या प्रतीक्षा के लिए एक इनाम नहीं हो सकता है। यानी कि बेरोजगारी की स्थिति में ब्याज जो होता है वो प्रतीक्षा या संयम का पुरस्कार नहीं हो सकता है, ऐसा केन्स का मानना है। नेक्स्ट जो आलोचना वो कहती है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मार्केट एंड नेचुरल रेट्स, यानी कि बाजार और जो प्राकृतिक ब्याज दर है उसके बीच में अंतर होता है। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ब्याज की प्राकृतिक यानी कि वास्तविक
और बाजार यानी कि मौद्रिक दरों के बीच विसंगति केवल एक संयोग मात्र है, यानी कि ये बाई चांस हो गया है कि इन दोनों के बीच में अंतर है और ये लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती है। यानी कि इनमें जो अंतर है, यानी कि वास्तविक ब्याज दर और मौद्रिक ब्याज दर के बीच जो अंतर है वो अल्प समय के लिए है, अल्पकालिक है, इसमें दीर्घकाल तक ये अंतर नहीं रह सकता है। लेकिन विक्सेल, किन्स और अन्य मौद्रिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की बाजार दर सामान्य रूप से ब्याज की प्राकृतिक दर से भिन्न होती है और यह अंतर बैंक ऋण के विस्तार और संकुचन जैसे मौद्रिक कारकों के प्रभाव के कारण होता है। तो ये जो अंतर है कि मौद्रिक दर ब्याज की और वास्तविक ब्याज की दर है वो दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है वास्तविक स्थितियों में, और ये अंतर होने का, इन दोनों का भिन्न होने का कारण जो है वो शास्त्रीय अर्थशास्त्री समझा नहीं पाते हैं। वो इसको केवल एक बाई चांस मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मानते हैं, विक्सेल और किन्स ने कहा है और अन्य मौद्रिक अर्थशास्त्रियों ने भी माना कि इनके बीच में सामान्य रूप से अंतर पाया जाएगा और ये अंतर का कारण होता है कि बैंकों के द्वारा जो ऋण का विस्तार किया जाता है या ऋण का संकुचन किया जाता है या साख सृजन और साख का संकुचन किया जाता है, तो इन कारणों से इन दोनों दरों के बीच में अंतर उत्पन्न होता है। नैरो व्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल और पूंजी की आपूर्ति जो है उसका संकीर्ण दृष्टिकोण ये लोग मानते हैं, यानी कि पूंजी की आपूर्ति में केवल बचत को शामिल करते हैं और वास्तव में जो पूंजी की आपूर्ति है उसमें अपसंचय की मुद्रा भी शामिल होती है, यानी कि जो पैसा लोगों ने अपने पास में बचत जो है अपने पास नकद रूप में रख रखी है और उसको वो अब उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो भी पूंजी की आपूर्ति का हिस्सा होता है। इसके अलावा नवीन जारी मुद्रा और बैंक ऋण भी पूंजी की आपूर्ति की महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, यानी कि जब आप लोनेबल फंड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि पूंजी की आपूर्ति केवल बचत ही नहीं होती है बल्कि लोगों के द्वारा अपसंचय किया जाता है अपने पास में जमा पूंजी का, या फिर सरकार द्वारा नए नोट जारी कर दिए जाते हैं, या बैंकों के द्वारा जो साख सृजन किया जाता है या जो ऋण विस्तार किया जाता है उसको भी आप पूंजी की आपूर्ति का महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखते हैं। नैरो व्यू ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल और पूंजी की मांग को भी इन्होंने संकीर्ण रूप में देखा हुआ है। तो पूंजी की मांग केवल और केवल निवेश को द्वारा निवेश व्यय को पूरा करने के लिए ही मानता है शास्त्रीय सिद्धांत, लेकिन वास्तव में जो है पूंजी की मांग भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए की जाती है, जिसमें कि उपभोग उद्देश्य हो सकता है या फिर जमा या अपने पास पूंजी संचय के लिए मांग की जा सकती है। तो ये बाकी और उद्देश्य जो है निवेश के अलावा उनकी ध्यान में नहीं रखता है। एक और आलोचना जो है वो है इनडिटर्मिनेट थ्योरी, यानी कि अनिश्चित सिद्धांत। तो किन्स ने इस आधार पर निवेश के शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना की कि ये अनिश्चित होता है, यानी कि अनिश्चयकारी होता है, इससे कोई चीज़ रिजल्ट के रूप में नहीं निकलती है। और उसका बताया है कि शास्त्रीय सिद्धांत मानता है कि ब्याज की दर बचत और निवेश वक्रों के प्रतिच्छेदन या कटान बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जहाँ पे बचत वक्र और निवेश वक्र आपस में काटते हैं वहाँ पे ब्याज की दर निर्धारित होता है, ऐसा अपन ने पहले देखा है इस वीडियो में। और बचत वक्र की स्थिति आय के स्तर पर निर्भर करती है, ये किन्स बताता है कि जो बचत है वो आय पर निर्भर करती है और यदि आय बढ़ जाएगी तो बचत वक्र दाई ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आय बढ़ने के साथ ही बचत भी बढ़ जाएगी और बचत वक्र दाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आय कम हो जाएगी तो बचत वक्र बाई ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम ब्याज दर को तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि पहले हम आय के स्तर को नहीं जानते हैं, यानी कि आपको पहले ब्याज दर ज्ञात करनी है तो बचत और निवेश स्तर चाहिए, निवेश और बचत वक्र चाहिए, और बचत वक्र ज्ञात करने के लिए आपको आय का स्तर चाहिए, और आय स्तर ज्ञात करने के लिए हमें निवेश का स्तर पहले पता होना चाहिए कि निवेश कितना है, उस पर आय का स्तर डिपेंड करता है, और निवेश की मात्रा को जाने बिना इसलिए हम आय के स्तर को नहीं जान सकते हैं, और निवेश की मात्रा का ज्ञान के लिए हमें ब्याज दर के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी। यानी कि अब चक्र बन गया एक तरीके का कि आपको पहले मान लीजिए ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, बचत और निवेश वक्र पता होने चाहिए क्योंकि इनके कटान बिंदु से ब्याज की दर निर्धारित होती है, और जब आपके सामने बचत वक्र ज्ञात करने के लिए आपको आय का स्तर पता होना चाहिए, और आय का स्तर पता होने के लिए पहले आपको निवेश का पता होना चाहिए, और निवेश का पता होने के लिए क्योंकि निवेश ब्याज की दर पर निर्भर कर रहा है तो ब्याज की दर का पता होना चाहिए। तो जिसको खोजने निकले थे, जिस ब्याज की दर को खोजने निकले थे, हम वापस वहीं आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक गोल चक्र बन गया है, इसमें एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड कर रही है,
जब तक कि पहली चीज़ ज्ञात नहीं होगी तो हम दूसरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जब तक हमें ब्याज की दर जो है उसको ज्ञात करने के बारे में शास्त्रीय सिद्धांत कोई समाधान प्रदान नहीं कर पाता है, कोई सॉल्यूशन हमें नहीं दे पाता है, यह नहीं बता सकता है कि ब्याज की दर क्या होगी। और जब तक कि हम पहले से ब्याज की दर को नहीं जानते हैं, यानी कि पहले एक बार ब्याज की दर हमें पता हो तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ें, तभी चूँकि ब्याज की दर पता होगी तो हमें निवेश पता लग जाएगा, निवेश पता लगेगा तो हमें आय पता लगेगी, आय पता लगेगी तो हम बचत पता कर पाएंगे, और बचत और निवेश से मिला करके हम ब्याज की दर ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन अगर पहले ब्याज की दर हमें ज्ञात नहीं है तो हम वापस से संतुलन ब्याज की दर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये है पूरा आपका शास्त्रीय ब्याज का सिद्धांत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।